रागनी एक काम बाद में करेंगे, अभी अभी चलो यहाँ से प्लीज प्लीज प्लीज। लेकिन गाड़ी में जेम चाहता क्या है? मन नहीं था सगाई, फिर भी कर दी ना मैंने, हाँ कर तो दिया। मतलब घर की इज्जत उछालेगा क्या बीच सड़क पे? पापा मुझे पूरा यकीन है कि वो किसी गलत इरादे से नहीं आया होगा। अगर नहीं आया था तो तू मुझे बता दे, ऐसे कौन सा शरीफ घर का लड़का है किसी लड़की के कमरे में घुसता, मुझे ये बता दे तू यार। क्या हुआ अंकल, सब ठीक है? आप काफी गुस्सा नजर आ रहे। क्या ठीक है बेटा, मैं तू छुप रहे, एक काम करोगे मेरा? जी बोली। मेरे दोस्त के बेटे हो, भरोसा कर सकता हूँ तुम? जी बिल्कुल, कहिए ना। एक्चुअली आगरा जाना है इसकी माँ को लेकर आने के लिए, अकेली वो आ नहीं पाएगी, इसकी सगाई के लिए पहुँचना है उसको यहाँ पे। मेरे पीछे दिया राधू का ख्याल रख सकते हो जरा? ठीक है, देख लो यार जैसा होगा तुमसे। क्यों किया तुमने ऐसा जय? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन जय तुम पापा के साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो? उन्हें चोट लग सकती थी, तुम्हें पता भी होना। आज मैं यहाँ पे मुझे कुछ नहीं सुनना जय, तुम मेरे रूम। अरे मैंने कुछ नहीं किया यार, बात तो सुनो मेरी, मैं तो आया नहीं यहाँ पे। आध्या जय बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो तो मेरे साथ था, हम बाहर गए थे। तुम्हारे साथ था मतलब? हम तुम्हारे लिए एंगेजमेंट रिंग लेने गए। अरे ये सारी बातें बाद में भी हो सकती है ना, अभी कुछ और टेंशन चल रही है। ये भी तो हो सकता है ना कि कोई चोर यहाँ पर आया हो। चोर? लेकिन चोर क्यों आएगा, मेरे रूम में तो ऐसा चोरी करने लायक कुछ है ही नहीं। नेकलेस चेक करो, अभी चेक करो। थैंक गॉड नेकलेस यहीं पर है। आज ध्याना अपने घर में अकेली नहीं रही, एंड दैट्स फाइन। अरे हमें पता ही नहीं है वो कौन था, कहां से आया, दोबारा आ गया तो कुछ भी हो सकता था ना यार। ये आद्या अपने घर में अलोन अलोन कहाँ है? उसके साथ वो दिया है, रागिनी है, करण है, सब साथ में टुगेदर मिलके हैंडल कर लेंगे बेटा। और आद्या मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पता कैसे नहीं चला कि तुम्हारे कमरे में कोई अनजान इंसान है? अरे मुझे लगा कि वो जय है। मतलब जय ऐसे आपके कमरे में आता रहता है ना? अरे नहीं एक्चुअली मेरा मतलब है कि जय सही कह रहा, मैं खुद देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से इस घर में कुछ गलत चीजें हो रही हैं, और मैं नहीं चाहता कि बच्चे अब किसी और मुसीबत में फंसे, इसलिए वो यहीं रहेगी हमारे साथ। बट बाबूजी सब टुगेदर है तो फिर आद्या व्हाई हियर? रूपा कभी तो हट जा। जी बाबूजी। जय एक्चुअली कुछ बात करनी थी। हाँ रागिनी बोलो। मुझे ऐसा लगता है कि जब से हम यहाँ आए हैं मैं और करण, यहाँ कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने करण से बात कर ली है। एक सेकंड रागिनी, एक सेकंड। Are you mad or what? ये सब कुछ क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ऐसा होता है जब ग्रह नहीं मिलते हैं ना लोगों के, तो एट टाइम्स प्रॉब्लम्स होती है। रागिनी ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, एंड मैं इन सारी चीजों में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, एंड तुम्हें भी कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम टेंशन मत लो प्लीज। लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं होता जय, सब कुछ पहले से लिखा होता है, किसी का किसी से मिलना भी और उनका साथ रहना भी। मुझे इनकी कुंडली की मैचिंग करवानी ही पड़ेगी। रूपानी ने हमें ऐसे क्यों बोला? क्या मॉम ने कोई गुड न्यूज देनी होगी? जब भी मॉम ने कुछ ऐसे गुड न्यूज देनी होती है ना ऐसे ही करती। अपने हार्ट और माइंड की शांति के लिए मैं जय और आदे की कुंडली मैचिंग करवाना चाहती हूँ। बाबूजी मीनिंग अगर एंगेजमेंट से पहले कुंडली में कोई प्रॉब्लम दिख जाए तो बेटर है ना, उसको सोल्यूशन मिल जाएगा ताकि फ्यूचर में इन दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो लाइफ में। एक सेकंड, प्रॉब्लम हुई मतलब ये क्या कुंडली वुंडली क्या ऐसे सब कुछ नहीं करना? एक बार सुनती हूँ बेटा, कुंडली दिखवा लेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी,
सब अच्छा ही तो चल रहा है, क्या जरूरत क्या है सारा कुंडली वगैरह सब कुछ कराने की मैम? जय लिसन, एक्सक्यूज मी, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन जय कुंडली मैच कराने में क्या प्रॉब्लम है? अरे मुझे बहुत प्रॉब्लम है यार, वैसे शादी के पहले ना ये जरूरी होता है। कह दिया ना तुम्हें? इनफैक्ट हमारे एक्सपीरियंस में भी, हमारे एक पंडित जी है मथुरा में, तो हमने करण की कुंडली वहाँ। रागिनी कहाँ की बात कहाँ लेकर आ रही हो? Please stop it. इसलिए तो मैं टेलिंग कर रही हूँ, कुंडली की मैचिंग करवा लेते हैं। मॉम आप मेरी बात, अरे मेरी बात सुन, देखो मथुरा में हमारे कुल देवता का मंदिर है। हाँ। और तुम्हारे पंडित जी भी वहाँ है। यस। जय और राध्या दोनों मथुरा चले जाएंगे, वहाँ पर कुंडली मैच भी करवा लेना और कुल देवता जी का आशीर्वाद भी ले लो। मैं कहीं मथुरा उधर कहीं नहीं जाने वाला, मैं नहीं जा रहा कहीं पे भी। अरे जी चलते हैं ना, क्या हो जाएगा? अरे जय तूने कसम मीटिंग की है कि जो मम्मा बोलेगी तूने उसके उल्टा ही बोलना है। मॉम ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपकी सारी बात मानता हूँ। एक सेकंड मेरे साथ कहो, आओ तो सही। अगर हम रूपा आंटी की खुशी के लिए चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? और अगर कोई कुंडली मैच नहीं करी तो? मैं नहीं चाहता कि कोई भी प्रॉब्लम आता, समझ आई? ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दोनों ना एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। और तुम देखना हमारे ना 36 की 36 गुण मिलेंगे। क्यों, पंडित की लड़की हो तुम? मैं नहीं जाऊंगा। जय मुझे कुछ बात करनी है, बस एक मिनट आओ ना। रागिनी एक सेकंड, अरे मेरी बात, एक सेकंड तुम मेरी बात तो सुनो। बोलो बोलो। रागिनी क्या बात कर रही है? जैसे ओके फाइन, कब जाना है मथुरा? बताओ। ये जय मेरी और आद्या की बात तो मान नहीं रहा, फिर रागिनी ने ऐसा क्या टेल कर दिया? कुंडली मैचिंग कराने के लिए ऐसा टाइम यस बोल दिया? इतने सारे बैग, तुम दोनों कहीं घर से भाग तो नहीं रहे ना? अरे बाऊजी, दादाजी ये सामान हम ही लोगों का है, असल में हम लोग जा रहे हैं इन लोगों का कुंडली मिलन करने और लगे हाथ हम लोगों का एक छोटा सा हॉलिडे भी हो जाएगा। सही है यार, आई एम जेलस। करण मेरा बैग अंदर है, क्या मैं लेके आती हूँ? एक बात टेल करो, तुमने ऐसा क्या कहा कि मेरा जिद्दी बेटा कुंडली मैचिंग के लिए मान गया? मैंने उसको बोला कि इसे रिलीजियस ट्रिप ना समझे, सोचे कि पिकनिक के लिए जा रहा है, कुंडली मिलाने के बहाने आध्या के साथ टाइम स्पेंड कर लेगा और आपका काम भी हो जाएगा। वेरी स्मार्ट। अब जाओ जाओ इससे पहले कि अपना माइंड बदल दे। बाय। रागिनी आई होप तुम ये जानती हो कि तुम ये सब क्या कर रही हो। ऑफ कोर्स इस एक ट्रिप में बहुत सारे काम पूरे होंगे। बाय बाय, सेफ्टी ड्राइविंग, बाय। हेलो, जय और आद्या ट्रिप के लिए निकल चुके हैं, यू नो ना ये उन दोनों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जय आराम से यार, कहीं गाड़ी भिड़ ना जाए। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा था कि आप दोनों पीछे आ जाओ तो मैं गाड़ी चला लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं करना, इट्स ओके। नहीं आई मीन आप लोगों को आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। ओके इफ यू से सो, आई'ल एक सेकंड। चल अटक गया क्या? लेट मी देखा ले
वो अगर कुछ दर्द देना तो उसे तोड़ देना चाहिए। अलग कर दिया मैं, मिल गया आराम। आ जा कर।